जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू विद्या भारती क्लासेस. आज मैं डॉक्टर वंदना शर्मा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो क्लास 12th का लेसन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. इसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स या आनुवंशिक विकार. जैसे हमने पहले पढ़ा कि कुछ लक्षण पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में उनकी संतान में पहुंचते हैं जो वंशागत लक्षण कहलाते हैं. कुछ ऐसे विकार भी हैं, ऐसे दोष हैं, ऐसे रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं. इनको हम आनुवंशिक विकार या हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं. मोस्टली ऐसे विकार को, ऐसे डिसऑर्डर्स को दो मेन पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एक होता है मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और दूसरा क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या गुणसूत्रीय विकार. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो प्राय किसी एक जीन में म्यूटेशन उत्परिवर्तन के कारण या किसी एक जीन में कुछ त्रुटि के कारण, उनके विलोपन के कारण होते हैं. सिंगल जीन से ये संबंधित होते हैं ये डिसऑर्डर्स मेनली. क्योंकि हम जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके कि गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. 22 जोड़ी इसमें दैहिक गुणसूत्र जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र होते हैं. तो उसी के आधार पर ये दो तरीके के हो सकते हैं. यदि दैहिक गुणसूत्रों के जीन्स में कोई परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन या कोई त्रुटि उत्पन्न हुई है तो ऐसे विकार दैहिक गुणसूत्र से संबंधित होंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होंगे. और यदि वो लिंग गुणसूत्र से संबंधित जीन में परिवर्तन के कारण हैं तो वो लिंग गुणसूत्र वाले या हम उनको कह सकते हैं कि सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं. इनके जो ऑटोसोमल हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो दैहिक गुणसूत्र से संबंधित हैं, इनके एग्जाम्पल हैं सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया. इनके जीन दैहिक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, इस रोग से संबंधित जीन. और जो दूसरे यहाँ पर सेक्स लिंक्ड जो हैं, इनके एग्जांपल्स हैं हीमोफीलिया और वर्णांधता, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस. इनकी इनहेरिटेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम सबसे पहले इसके जो मेंडेलियन विकार सिंगल जीन से रिलेटेड दैहिक जीन जो ऑटोसोम है उस पे उपस्थित जीन में विकार के कारण जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, वो पढ़ेंगे. दैट इज़ थैलेसीमिया. थैलेसीमिया एक रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है, अप्रभावी. इसका जीन जो होता है वो अप्रभावी होता है, इसलिए से हम रिसेसिव, क्योंकि ये रक्त से ब्लड से रिलेटेड है इसलिए रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर या अप्रभावी रक्त जीन, अप्रभावी जीन रक्त विकार जो जीन से संबंधित है कहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित होता है. इसमें जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन प्राय जो ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ होता है. ग्लोबिन प्रोटीन में दो श्रृंखलाएं, दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन. इस चेन के निर्माण की दर इस विकार में प्रभावित होती है. हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन प्रोटीन के जो संश्लेषण है उसमें कमी आ जाती है. यदि इसकी अल्फा चेन के संश्लेषण में कमी आती है, उसके निर्माण में कमी आ जाती है, उसकी कम मात्रा में सिंथेसिस होता है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं. यदि इसके ग्लोबिन प्रोटीन के बीटा चेन के निर्माण की दर में कमी आती है, कम मात्रा में उसका निर्माण होता है तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं. यानी कि थैलेसीमिया दो प्रकार का हो सकता है. जो अल्फा थैलेसीमिया है इसका जीन जो मनुष्य के टोटल 22 जोड़ी 23 जोड़ी हैं उनमें से 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स हैं, इस तरीके से जो 22वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है यहाँ पर मैं बना देती हूँ. टोटल मनुष्य में ऐसे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं. तो जो 22वीं जोड़ी, इस तरह से हम सारे पेयर बनाकर देखें, जो 22वीं जोड़ी है वो ये लास्ट में है और बीच में यहाँ पर एक मान लीजिए ये 16th
जोड़ी 16th पेयर है, 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम की होती है, जो 16th पेयर होता है गुणसूत्र का, उस पर अल्फा चेन के निर्माण के दो जीन उपस्थित होते हैं। अल्फा चेन के संश्लेषण को प्रभावित करने वाले, संश्लेषण की दर का नियमन करने, उनको नियंत्रित करने वाले दो जीन 16वीं जोड़ी गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, और इन जीन को HBA, क्योंकि दो हैं तो A1 और HBA2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, HBA1 और HBA2, यानी कि ये दो जीन जो है अल्फा चेन के निर्माण की दर को नियंत्रित करते हैं, और जो 16वें गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, 16वीं जोड़ी पर उपस्थित होते हैं, ये दोनों जीन एक दूसरे के बराबर परस्पर निकट उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A1 और यहाँ पर A2, क्योंकि ये HB मीन्स हीमोग्लोबिन और A मीन्स अल्फा चेन, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन को नियंत्रित कर रहा है पहला जीन और दूसरा जीन। तो इसके टोटल 4 एलील होंगे जो इनके दूसरे उसके जो पेयर में उपस्थित दूसरा गुणसूत्र है वहाँ पर भी इसके तुलनात्मक रूप उपस्थित होंगे। तो ये चारों एलील अल्फा चेन के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। यदि इनमें से किसी एक भी, चारों में से किसी एक में त्रुटि, विकार, विलोपन, म्यूटेशन, कुछ परिवर्तन होता है तो इसके निर्माण की दर प्रभावित होती है। यदि जितनी मात्रा में इनकी अधिकता होगी, 2, 3 या 4 में अगर इसका प्रभाव होगा विलोपन का या म्यूटेशन का, तो उतनी ही कम मात्रा में अल्फा चेन का निर्माण होगा। इसी तरह जो बीटा चेन है, बीटा चेन को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है, सपोज ये 11वीं जोड़ी है, गुणसूत्र की 11वीं जोड़ी, इसके जीन 11वीं जोड़ी पर उपस्थित होते हैं। इसमें केवल एक ही जीन होता है जिसको HBB के नाम से जाना जाता है, HB हीमोग्लोबिन और B फॉर बीटा चेन। तो बीटा चेन के निर्माण को जो नियंत्रित करता है वो 11th पेयर जो गुणसूत्र का है उस पर उपस्थित होता है, इसका एलील इसके सामने होगा। इस प्रकार के विकार में जब हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की दर कम हो जाती है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन उत्पन्न होता है, उसमें डिफेक्ट होता है, तो जो लक्षण इसका प्रकट होता है वो विशेष लक्षण जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एनीमिया, रक्ताल्पता, रुधिर की कमी हो जाती है। इससे रिलेटेड अन्य जो करेक्टर्स हैं, जॉन्डिस या फिर जो है बोन्स डिफॉर्मिटीज़, और एक हिपेटोस्प्लीनोमिगैली, हिपेटो मीन्स लिवर और स्प्लीन दोनों को मिलाकर बना है हिपेटोस्प्लीनोमिगैली, जिसका मतलब होता है लिवर और स्प्लीन का आकार में बढ़ना, स्प्लीन मतलब तिल्ली। तो ये ब्लड से, जब कोई भी ब्लड का डिसऑर्डर होता है वो लीवर को जरूर प्रभावित करता है, लीवर बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। इस प्रकार ये थैलेसीमिया एक अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यदि इसकी वंशागति हम पढ़ते हैं तो इसकी वंशागति में देखने में आता है कि यदि दो जनक, सपोज इसके जीन को हमने R से रिप्रेजेंट किया है, और यदि एक जनक, क्योंकि ये दाहिने गुणसूत्र पर उपस्थित है तो ये फादर में भी हो सकता है, मदर में भी हो सकता है, रिसेसिव फॉर्म में भी हो सकता है। तो यदि मान लो इसका एक रिसेसिव अप्रभावी जीन इस तरीके से फादर में उपस्थित है, ये मेल फादर यानी कि उनके जीन है, और फीमेल में भी ये क्योंकि एक अप्रभावी जीन है तो ये मदर में भी अप्रभावी अवस्था में है ये वाला जीन, तो ये जनक में फादर और मदर दोनों पेरेंट्स जो हैं इनमें ये लक्षण प्रकट नहीं होगा, क्योंकि ये अप्रभावी जीन है, जो प्रभावी होगा वो इसके प्रभाव को दबा देगा। लेकिन इनकी संतान में इसकी वंशागति ठीक मेंडेलियन वंशागति के समान ही होती है, जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमने पढ़ी थी वैसे ही इसकी वंशागति होगी। तो हम देखते हैं कि 4 में से, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 4 में से एक संतान जो है जिसमें ये दोनों जीन अप्रभावी अवस्था में होंगे उसमें ये रोग प्रकट होता है। कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में, यहाँ पर इसी को हम देख रहे हैं, ये जनक में कोई भी रोग के लक्षण नहीं है, लेकिन जीन की उपस्थिति के कारण अप्रभावी उनकी संतान में 4 में से एक 25% इस रोग की
इस रोग से ग्रसित हो सकती हैं। ये है थैलेसीमिया की वंशागति। मेंडेलियन वंशागति के समान ही होती है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सिंगल जीन से ये रिलेटेड है। दूसरे सेक्स लिंक्ड जो इसके डिजीज़ हैं उनमें हमने हीमोफीलिया और वर्णांधता इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं। एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी वंशागति ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इनको पढ़ने के लिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को भी इसी प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं गुणसूत्रों के आधार पर। जैसे गुणसूत्र हमने कौन कौन से पढ़े थे, ऑटोसोम्स दैहिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लैंगिक, इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ऑटोसोमल में जो दैहिक गुणसूत्र 22 जोड़ी उपस्थित हैं उसे पढ़ने से पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो जान लेते हैं। ये तो केवल सिंगल जीन से रिलेटेड थे, सिंगल जीन में म्यूटेशन के कारण होते हैं या उसके विलोपन के कारण होते हैं, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें किसी भी जीव के गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या होती है उसमें या तो कमी आ जाती है या वो सामान्य से अधिक हो जाते हैं या गुणसूत्र का कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। मोस्टली ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मोस्टली जो है ये डिसऑर्डर्स क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं। यदि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो तो वो दैहिक गुणसूत्रों से संबंधित, और यदि सेक्स लिंक्स इसके दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के उदाहरण है डाउन सिंड्रोम जो डिटेल में हम बाद में पढ़ते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जो सेक्स लिंग गुणसूत्रों की संख्या में क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इससे पहले भी हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन दो प्रकार से होती है। वो कैसे होती है पहले हम वो ही देखते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, एक परिवर्तन तो कहलाता है यूप्लॉयडी, सुगुणिता, यूप्लॉयडी। यदि किसी जीव के गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या होती है वो डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, उसे हम 2n के रूप में लिखते हैं। पेयर में उपस्थित होते हैं सारे गुणसूत्र, एक सेट एक युग्मक से और दूसरा सेट दूसरे युग्मक से आता है और जीव में वो 2n की संख्या में गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी जीव में मियोसिस के दौरान इन सेट के युग्मकों के बनते समय पृथक ना होने के कारण किसी भी जीव में पूरे के पूरे सेट जब वो पृथक नहीं हुए तो सारे गुणसूत्र एक ही गैमेट में पहुंच जाते हैं जिसके कारण कंप्लीट सेट में बढ़ोतरी हो जाती है। पूरा जैसे यहाँ पर 23 एन फॉर 23 इन ह्यूमन बींग्स, तो 2 × 23 वो 2n के बराबर है। n का मतलब है 23 गुणसूत्र। यदि पूरा का पूरा एक सेट बढ़ जाए यानी इसकी संख्या 3n हो जाए, गुणसूत्रों का एक सेट कम्प्लीटली बढ़ जाए उसे यूप्लॉयडी कहते हैं। एक सेट भी हो सकता है, एक सेट बढ़ भी सकता है, एक सेट घट भी सकता है, एन भी हो सकता है। अगर ये संख्या में और ज़्यादा बढ़ जाए ये 4n भी हो सकता है। ये इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो जंतुओं में पॉसिबल नहीं है। अगर जंतुओं में इस तरीके का कोई जायगोट बनता है तो वो जन्म से पहले ही नष्ट हो जाता है, उसका सर्वाइवल नहीं है। लेकिन पौधों में 3n, 4n जिसको पॉलीप्लॉयडी कहते हैं, पॉलीप्लॉयडी का प्रयोग किया जाता है पौधों की जातियों में सुधार के लिए। ये पौधों में एक सुधारात्मक कदम हो सकता है। लेकिन समझने के लिए है कि यदि यूप्लॉयडी मीन्स गुणसूत्रों के कंप्लीट सेट में परिवर्तन, या वो बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं। दूसरा इसमें जो प्रकार है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का वो है ए न्यूप्लॉयडी। इसमें
गुणसूत्र का कंप्लीट सेट नहीं बदलता, जो टोटल गुणसूत्र है उनमें से किसी भी एक पेयर में, जैसे 23 पेयर हैं तो कोई भी एक पेयर में दो के स्थान पर तीन गुणसूत्र हो जाएं या चार गुणसूत्र हो जाएं। यदि तीन होते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी को कहते हैं हाइपरप्लॉयडी, हाइपरप्लॉयडी। जैसे 2n+1, जितने टोटल गुणसूत्र 46 हैं उसमें एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई भी पेयर यदि दो की जगह तीन हो जाएंगे तो 47 को क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, प्लस 2 भी हो सकता है, यदि 1 होता है तो डेट इज़ कॉल्ड ट्राइसोमी, और यदि प्लस 2 हो जाता है तो टेट्रासोमी। अगर यही सेम चीज़ गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए, कमी होने का मतलब है कि वो हाइपोप्लॉयडी, हाइपोप्लॉयडी, हाइपोप्लॉयडी का मतलब गुणसूत्र की संख्या कम हो गई। हाइपोप्लॉयडी में यानी कि 2n+1 की जगह 2n-1। अब 2 इसमें दो, एक पेयर में दो की जगह तीन गुणसूत्र हो जाते हैं तो इसलिए ट्राइसोमी कहा था। यदि 2n-1 टोटल संख्या में माइनस एक हो रहा है तो यानी किसी एक पेयर में केवल एक ही गुणसूत्र रह गया, एक घट गया, तो इसलिए इसे मोनोसोमी भी कहते हैं, मोनोसोमी। अगर ये पूरा का पूरा पेयर ही अगर गायब हो जाए तो उसे नलीसोमी, NULLISOMY, नलीसोमी भी कहते हैं। जो अब हमने ये ए न्यूक्लियोइडी पढ़ा है, इस ए न्यूक्लियोइडी में हाइपरप्लॉयडी का एक एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं जो दाहक गुणसूत्रों से संबंधित है, अभी हमने जिसका जिक्र किया था, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ए न्यूक्लियोइडी का, हाइपरप्लॉयडी का एक एग्जाम्पल है, यानी गुणसूत्रों की संख्या में टोटल जो संख्या है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? गुणसूत्र 23 पेयर हैं टोटल, इस तरीके से लास्ट में लिंग गुणसूत्र, ये 23rd पेयर है, और ऐसे करते करते जो 21वीं जोड़ी है, टोटल 21st पेयर वाला जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, यानी कि इसमें जो दो गुणसूत्र हैं उसकी ट्राइसोमी यानी एक गुणसूत्र यहाँ पर बढ़ जाएगा, दो की जगह तीन गुणसूत्र हो जाते हैं। तो टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो जनरली 2n = 46 होता है, वो एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण वो 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं। इस प्रकार 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र की है उसमें एक गुणसूत्र के एकाधि सूत्रता, जिसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण यानी 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण ये विकार उत्पन्न होता है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम में जो फीचर्स, जो लक्षण प्रकट होते हैं, क्योंकि किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, यदि गुणसूत्र में एक कंप्लीट गुणसूत्र में बढ़ोतरी होती है तो एबनॉर्मल कैरेक्टर प्रकट होते हैं। ऐसे बच्चों में माथा चौड़ा, मंगोलियन टाइप का चेहरा और नाक चपटी, मुंह अक्सर खुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई, और मेंटली जो डेवलपमेंट है वो रिड्यूस, जो IQ लेवल है वो बहुत कम होता है। इस प्रकार के ये सिम्टम्स डाउन सिंड्रोम के कारण उत्पन्न होते हैं चिल्ड्रन में। अब दूसरा एक और सिंड्रोम जो कि लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये गुणसूत्र, जैसे कि हम अभी पहले कहा है कि ये सेक्स क्रोमोसोम्स के गुणसूत्रों में अधिकता के कारण, ये भी ट्राइसोमी के कारण होता है, लेकिन जनरली ह्यूमन बीइंग्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में एक्स और वाई होते हैं, यदि इसमें दो के स्थान पर एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उनका जो जीनोटाइप है वो, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 44,
और प्लस एक्स वाई के स्थान पर एक एक्स बढ़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 44, 5, 6, 7, 47। गुणसूत्रों की संख्या 47 ही हो जाती है, लेकिन जो गुणसूत्र में बढ़ोतरी हुई है वो लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। इस प्रकार के जो मेल होते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है इसलिए मेल हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम अधिक होने के कारण इनमें जो गोनेट्स हैं वो लेस डेवलप होते हैं, जो इनके जनद हैं, जिसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। हाइपोगोनेडिज्म इसमें एक लक्षण जनदों का विकास कम होना, साथ ही डबल एक्स होने के कारण मैमरी ग्लैंड्स ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, जिसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। ऐसे पुरुष प्राय स्टराइल होते हैं, बंधे होते हैं, नपुंसक होते हैं, और फीमेल करेक्टर्स भी उसमें डबल एक्स होने के कारण डेवलप होते हैं, जिनमें से गोनेट्स लेस डेवलप्ड और मेमरी ग्लैंड जो फीमेल का फीचर है, गाइनेकोमेस्टिया, जिसमें ये करेक्टर सिम्टम डेवलप होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता के कारण तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। यदि इसमें गुणसूत्र में कमी हो जाए, इसकी कमी के कारण एक और सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये भी सेक्स क्रोमोसोम्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें नॉर्मली 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यदि इनमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, एक सेक्स क्रोमोसोम में कमी आ जाए, यानी एक्स एक ख़त्म हो जाए और यहाँ पर हम जीरो लिख दें, तो इस प्रकार एक गुणसूत्र की कमी हुई, जिसे मोनोसोमी कहते हैं। तो लिंग गुणसूत्रों की एक न्यूनता या मोनोसोमी के कारण जो सिंड्रोम होता है उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 और प्लस 1 45, एक गुणसूत्र सामान्य से कम हो जाता है, 46 के स्थान पर 45 रह जाते हैं। ऐसे फीमेल में, क्योंकि एक फीमेल क्रोमोसोम कम है, तो गोनेट्स लेस डेवलप होते हैं, ओवरी इसमें या तो एब्सेंट होती है या वेरी पुअरली डेवलप्ड होती है, बहुत ही कम विकसित होती है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स फीमेल के होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट वगैरह, वो सब कम होता है। तो ये टर्नर सिंड्रोम का कारण है और उसके सिम्टम्स। ये सब डिसऑर्डर्स, हेरिडिट्री डिसऑर्डर्स, जो क्योंकि गुणसूत्र और उससे जुड़े हुए जीन की वंशागति से ही संबंध उनसे ही संबंधित है, इसलिए वंशागत होते हैं और हेरिडिट्री डिसऑर्डर्स कहलाते हैं।